ओम ज्ञानतिमिरां तस्याच ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। अरे माइक खत्म हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, उसको बंद करके गौर ये करो। ये कौन सा ये छोटा ना, हरि बोल उसको तो इधर ले आ, उधर कम करो, अरे तो कम करो, साउंड कम करो। अरे एक हाथ नहीं आस, हरि बोल एक हाथ हेलो नंबर बस में वो स्पीकर है दूसरा उसको लिया कोई जा। अरे यहाँ बस हरि बोल बंद करके ये अनुपम 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 चालू तो कीजिए, बंद कर लिया आगे आगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ हले कृष्णा और एक दे दो। हरि बोल ठीक है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण। आवाज आ रही है, हरि बोल। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी हरे कृष्ण आवाज आ रही है। हाँ हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहां पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम खदीर बन है, खैरात भी नाम कहते हैं, इसका अलग अलग कारणों से इसका अलग अलग नाम है, इसलिए इसका नाम खदीरवर नाम पड़ा। कृष्णा जब सखाओं के साथ में गैया चराते चराते वह बछड़े चराते चराते यहीं पर आए, यहीं पर कृष्ण बकासुर को वध किया था। जब कृष्ण सखाओं के साथ में आ रहे थे इतने में कंस का भेजा हुआ ये बकासुर, वो ऐसे लग रहा था ये बगुला रूप धारण करते हुए आया था, ऐसे लग रहा था जैसे इंद्र ने किसी पर्वत का पंख को काट करके यहीं पर फेंक दिया, विशाल रूप धारण किया हुआ था। जब कृष्ण सखाओं के साथ में यहीं पर आए इतने में वो बगुला में कृष्ण को झट होने निकल गया,
जब निगल गया इतने में सखाओं ने कहा, भैया हमारे कन्हैया को बकासुर खा गयो रे, खायो रे, खायो रे, इसलिए खा गयो रे, इसलिए इस स्थान का नाम खायोरी बात खैरा, ये एक नाम है। दूसरा नाम है खदरीवर, खदरी मतलब अब लोग पान खाते हैं, बंगाल उड़ीसा में ज्यादा पान खाते हैं, उसमें एक खैर देते हैं, जिसको राधा रानी कृष्ण को सुंदर पान की बिड़िया में खैरा दे, खैरे दे करके जब कृष्ण कथा दे करके कृष्ण को खिलाया करती थी, राधा रानी स्वयं पान खाती थी। अभी जैसे लिपस्टिक लगाते हैं ना माता है, पहले ये लिपस्टिक नहीं हुआ करता था, पहले ये पान खाने से अपनी आप जो कथा है वो अपनी आप होठ लाल अपनी आप हो जाता था। पान नहीं खाती इसलिए लिपस्टिक लगाती है। हाँ, ये इसलिए पान नहीं खाती इसलिए लिपस्टिक। गुरुदेव कहते थे लिपस्टिक लगाने का जरूरत नहीं। गुरुदेव तो कहते थे अगर कोई ब्रह्मचर्य को पालन करे तो अपनी आप तेज निकलेगा, ये लिपस्टिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इसका नाम और एक कारण है, खैरा मतलब होता है यहाँ पर जो खजूर है, यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर खजूर हुआ करता था, खजूर का यहाँ पर वन बहुत सारे वन था, इसलिए भी कृष्ण सखाओं के साथ में गैया चराते चराते यहीं पर आते थे और बड़े सुंदर सर खजूर को खाया करते थे। जब बकासुर ने खा गया सखाओं ने बोले खायोरी खायोरी, इसलिए स्थान का नाम पड़ गया खैरा। इतने में जब खा गया, इतने में बकासुर जब निगल गया, कृष्ण अंदर में जाकर के अपना शरीर को ऐसे उन्होंने गर्म किया जैसे कोई लोहे का जैसे पिंडला हो, इतने में बकासुर ने कृष्ण को उल्ट दिया, उल्टी कर दिया है। यहाँ पर कहते यही एक भक्तों के अंदर में, कहते एक भक्तों के अंदर में और एक दुष्टों के अंदर में यही पार्थक्य है, कहते यही पार्थक्य है। जब भक्त लोग भगवान को अपना हृदय में धारण करते हैं, भक्त लोग को कितना आनंद होता है, लेकिन बकासुर ये दुष्ट है, उनको लगा जैसे कोई लोहे का पिंडला हमने खा ली, इतने में फिर उल्टी कर दी। जब उन्होंने फिर उन्होंने उल्टी कर दी, उल्टी करते फिर कृष्ण ने जो उसको पकड़े, पकड़ करके दोनों चोंच को उन्होंने चीर दिया, चीर दिया। तो यहाँ पर एक गांव का नाम है चिल्ली है, गांव का नाम है चिल्ली। कृष्ण उन्होंने बकासुर को यहीं पर वध किया। तब श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये बकासुर वध करने का तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य है ये बकासुर ये कपटता का प्रतीक है। अगर प्रभु की भक्ति करना तो ये जो कपटता है ये कपटता को दूर करना पड़ेगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मान दहव। भक्ति करने के लिए कपटता, भक्ति जगत में प्रभुपाद कहते हैं पशु पक्षी जीवन में रहना सही है, लेकिन कपटता ग्रहण करना ये भक्ति जगत में ये एकदम विरोध है। इसलिए एक साधु का हृदय, एक बच्चे का हृदय जैसे निष्कपट होता है, कोई भी बच्चे को बुलाए बच्चे गोद में चले जाता है, इसलिए जो संतों का हृदय एक बच्चे का हृदय जैसे होनी चाहिए, तभी तो भगवान उसी हृदय में भगवान की निवास होगा। इसलिए ये बगुला आप देखना वो एक प्यार में खड़ा रहता है जैसे एक बहुत बड़ा ऋषि। एक समय राम और लक्ष्मण जा रहे थे, एक बगुला पानी पर एक प्यार में खड़ा हुआ था। इतने में राम ने कहा लक्ष्मण देखो तो ये बगुला कितने बड़े तपस्वी है, एक प्यार में आंख बंद कर खड़ा हुआ है। इतने में लक्ष्मण गुरु तत्व है ना, वो सब जानते हैं, गुरु मतलब तो गु मतलब अंधकार, रू मतलब होता है आलोक। जो शिष्य के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जो दिव्य आलोक को भर दे। इतने में लक्ष्मण कहता है प्रभु ये बगुला कितना बड़ा तपस्वी है ना, ये कितना बड़ा जोगी है, मछलियों को पूछे ये मछली सब बता देंगे। क्योंकि वो एक बार में खड़ा क्यों रहता है, मछली को ये नहीं पता चले यहाँ पर कोई बगुला है, और सामने आते ही वो झट पकड़ कर उसको खा लेता है। यहीं पर श्री आसपास में बहुत सारे लीला स्थल यहाँ पर है। यहाँ पर एक स्थान का नाम है आजनौ। आजनौ कभी हम लोग वहीं पर होते हुए आए,
आज नव को मतलब जहां पर कृष्ण बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी उन्होंने बंसी ध्वनि की है, बोले जगो कलो बाम दृशा बनाहरा, उन्होंने बड़ी सुंदर उन्होंने बंसी ध्वनि की। राधा रानी सुन रही थी बंसुरी से, केवल राधे 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 आवाज आ रही है। विशाखा सुन रही थी, केवल विशाखा विशाखा आ रही है। ललिता सुन रही थी ललिता ललिता। इतने में राधा रानी बंसी ध्वनि सुनते ही एकदम पागली ने होकर के राधा रानी भागते भागते आई। लेकिन इसलिए श्याम सुंदर जी ने देखा राधा रानी के सारे श्रृंगार है, लेकिन एक श्रृंगार नहीं है। कौन सा? बोले आंखों में अभी काजल नहीं लगाए। श्याम सुंदर ने राधा जी की आंखों में एक पत्थर के ऊपर बैठ करके राधा जी का आंखों में उन्होंने काजल लगाए। काजल लगा करके वो हाथ को जिस पत्थर के ऊपर में बैठे हुए थे उसमें अपना उंगलों को घिस दिया। घिस दिया तो अभी भी उसी पत्थर से अगर घिसो ना वो काजल का रंग अभी भी निकलता है। अभी हम लोग वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, दर्शन के लिए गए थे, वहां से हमने पत्थर से घिस करके देखो ये काजल, देखो अभी भी वो पत्थर से घिसो जैसे माताएं आंखों में काजल लगाती है वहां से अभी भी काजल का रंग निकलता है। देखो ये इसमें अब बाद में आप इसको स्पर्श कर लेना, सर पर लगा देना, इसलिए इसका नाम है आज नव। ये पास में कटी जो काजल ये प्रेम कौटल्य राधा रानी का है। ये पास में एक स्थान का नाम बिजवारी। बिजवारी मतलब जिस समय श्री श्याम सुंदर को श्री अक्रूर जी ले जा रहे थे, मथुरा ले जा रहे थे, गोपियों को तो किसी तरह से उन्होंने समझाया आज जा रहा हूं, कल कंस को उधार करके मैं परसों वापस आ जाऊंगा, इसलिए यहां पर एक स्थान का नाम सी परसु। इन्होंने सबको तो समझा दिया, अभी राधा रानी को कैसे समझाए। जब श्याम सुंदर जा रहे थे राधा रानी मेन रोड के ऊपर में श्री राधा रानी सो रही थी और उनको शरीर से बिजली जैसे राधा रानी चमक रही थी, क्योंकि राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। इसलिए बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता, इसलिए राधा रानी को देवी बोले। देवी माने दिव्यमान परमा सुंदरी, दिव्य मतलब देवी जैसे सुंदरी। राधा रानी कितने सुंदरी है वर्णना किया है, ये पृथ्वी में जितने माताएं इनकी सुंदरता को एकत्रित कर लो एक स्वर्ग में अप्सरा रम्भा उर्वश की बराबर होगी। सारे स्वर्ग की देवियों की सारे सुंदरता को एकत्रित करो वो होगा एक लक्ष्मी के बराबर होगी। लेकिन सारे लक्ष्मी की सुंदरता को एकत्रित कर लो एक गोपियों के साथ में बराबर होगी। सारे गोपियों की सुंदरता को अगर एकत्रित कर देना बोले लक्ष्मी जदंग्री। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं राधा रानी की चरण की नख की छटा में ये जितने सारे गोपियों का जो सुंदरता वहां पर भी समा जाएगी। ऐसे श्रीमती राधा रानी सुंदरता है। इसलिए बिजवारी मतलब राधा रानी के शरीर से बिजली जैसे चमक रही थी। इसलिए श्याम सुंदर अभी राधा रानी को भी बड़े कष्ट से समझा करके परिकृष्ण मथुरा गए, इसलिए स्थान का नाम बिजवारी। ये पास में और एक स्थान जिसका नाम नरी समेरी। नरी समेरी मतलब किस समय से राधा रानी उन्होंने दुर्जय उन्होंने मान की, दुर्जय मान की तो श्याम सुंदर ने 10 तरह से कोशिश करते हैं राधा रानी को मनाने के लिए, तरह तरह से। जब राधा रानी मानती नहीं श्याम सुंदर संपूर्ण चरण में लेट जाती है, बोले हे राधे अभी तो मान जाओ। इसलिए स्मर गर्व खंडनम मम शिरसि मंडनम दहि पद पल्लव उदारम, कहते तुम्हारे उदार चरण को सर पर रखो है। लेकिन जब फिर राधा रानी नहीं मानती है फिर श्री श्याम सुंदर नरी श्यामरी, मतलब है श्री श्याम सुंदर बड़ी सुंदर एक श्यामा सखी का रूप धारण करती हैं, करते हुए कहती हैं मेरी मैं सुंदर चरण दबाना जानती हूँ, श्रृंगार करना जानती हूँ, जिनको श्रृंगार चरण दबाओ उसको हृदय की सारी व्यथा दूर हो जाती है। श्री श्याम सुंदर आकर के राधा रानी की चरण की सेवा जहां पर की है, इसलिए नरी श्यामरी। पास में एक गांव का नाम छत्रीवन। छत्रीवन मतलब जहां पर श्री श्याम सुंदर जिस समय कृष्ण गिरिराज को धारण किए ब्रज में हला हो गया, भैया ब्रज का राजा कौन है? श्री कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी बोली क्या बात, सारा दुनिया कहते राधा रानी,
मैं राधा रानी हूँ, कृष्ण का जय जयकार, राजा कृष्ण राजा कैसे हो गए? पौर्णमासी के पास में गई, पौर्णमासी बोले पौर्णमासी जी मैं क्या सुन रही हूँ, कृष्ण की जय जयकार हो रहा है, कृष्ण को राजा नहीं तो राधा रानी, यहाँ का रानी मैं हूँ, मैं वृंदावन सरी है रास्ते से मैं हूँ। बोले हाँ ठीक है सही कह रहे हो। इतने में बोले ऐसे नहीं हो सकता है, यहीं पर श्री राधा रानी को छत्रीवन पर राधा रानी को सिंहासन में बैठा दिया। बोले आज कृष्ण को ऊपर हम आक्रमण करेंगे। सब सखियां कृष्ण को ऊपर आक्रमण किया और राधा रानी को रानी बना करके कोई छत्री कोई चामर व्यंजन धारण करते हुए बैठा दिया और गोपियां कृष्ण सखाओं को ऊपर आक्रमण करके फूलों की माला से श्याम सुंदर को उन्होंने बंदी बनाया, क्योंकि भगवान को थोड़ी बंदी बना सकते, प्रेम के द्वारा ही कृष्ण वशीभूत हो सकते हैं। जब श्री कृष्ण को लेकर के आए राधा रानी शर्मिंदा होकर के हट गई, फिर जुगल को वहीं पर बैठाया, बैठा करके उनको जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कर लली यही पर। और यहीं पर ये संगम कुंड है जहां पर राधा कृष्ण के साथ में गोपियों के साथ में जहां पर यही मिलन हुआ करता था, यहीं पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी यहीं पर ही भजन करते थे। जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी यहीं पर कुंड है जहां पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी राधा विनोद जी को जहां पर प्राप्त किया, जब उन्होंने राधा विनोद जी को यहीं से प्राप्त की, इतने में विनोद जी ने कहा देखो बड़े दिनों से ये पानी के अंदर में मैं पड़ा हुआ था, मेरे को बड़ी भूख लग रहा है, मेरे को थोड़ा प्रसाद बनाकर खिलाओ। तो उन्होंने बड़े सुंदर रोटी सब्जी बनाए, बना करके जब खिलाने के लिए गए बोले देखो बगैर चाटनी के थोड़ी आनंद आता, थोड़ा चाटनी तो बना दो। इतने में कहां से चाटनी मिलेगा, इमली पत्ते को चाटनी बनाए इमली पत्ते से। जब उनको खिलाए ठाकुर जी सब कुछ खा लिए, बोले बड़े दिन से मैंने सोया नहीं, सोने की थोड़ा व्यवस्था कर दो। तो सुंदर सुंदर फूलों की सज्जा में उनको शयन कराया। बोले अरे गर्मी लग रहा है थोड़ा हवा तो करो। इतने में उन्होंने सुंदर सुंदर पत्ते ला कर ठाकुर जी हवा की। अरे बोले नींद नहीं आ रही थोड़ा प्यार से दबा दो। तो उन्होंने उनको प्यार भी दबाया। इसलिए एक हिंदी में भजन कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, जसोदा मैया जैसे तो खिलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन किसको साथ में करेंगे, भगवान भक्तों को प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान ये काम करते हैं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी समय आए हैं, कहते उस समय उन्होंने राजा घर के बच्चे थे, उनने सब कुछ राजपाट छोड़ करके जब वृंदावन में भजन करने के लिए आए, आते समय उसी समय वो श्रवण कर रहे थे, धीरे धीरे महाप्रभु कैसे अंतर ध्यान हो गए, धीरे धीरे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे एक एक करके धीरे धीरे अंतर ध्यान हो रहे हैं। जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर राजा घर के बच्चे थे, आते समय उन्होंने बड़ी विरह में हाँ जो उन्होंने भजन गाया करते थे, वो ग्रंथ का नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका, वो ग्रंथ का नाम है, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहा करते थे बोले किसको कृष्ण प्रेम चाहिए हाथ उठाओ, किसको कृष्ण प्रेम चाहिए हाथ उठाओ, सबके सब हाथ उठाए। बोले देखो जो कृष्ण प्रेम एक आना मतलब छह पैसा में तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। बोले कैसे, बोले केवल श्री नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति की चंद्रिका जो ग्रंथ, केवल उसी ग्रंथों को पढ़ो, जो ग्रंथों को पढ़ेगा अपनी आप तुम्हें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अद्भुत ग्रंथ है, साधक के लिए और सिद्ध के लिए दोनों के लिए उन्होंने अद्भुत ग्रंथ ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है। इसलिए जिस समय आ रहे थे रो रो करके पाषाणे कुटीब माथा अनल तसीब गौरांग गुणर निधि को था गले पाव गौरांग बोलीते हवे पुलत शरीर हरि हरि बोलीते ना याने बबेनी। इनकी गाय कीर्तन है, है? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणे गति आर नाही मो। इनका ही ग्रंथ, इनका ही कीर्तन है, रोज जो सवेरे गाते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा
बंद मोई सावधाना माते, इनकी कीर्तन है। इसलिए राधा कृष्ण के जो विरह है, हरि हरि विफल जनम गोआइनो, इनका ही कीर्तन है। इसलिए इनकी साधक जय अनिल प्रेम दन करुणा प्रचोर है न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, इनकी कीर्तन है। सारे कीर्तन को हम रोज रोज इनकी कीर्तन को रोज गोदावली गाते हैं, इसलिए कहते हैं इनकी। और उनका जो सिद्धि की जो लालसा, मतलब कब ऐसे दिन होगा, मतलब कौन सा दिन है, मतलब मैं राधा जी की चरण के मैं नुपुर बनूंगा। और राधा रानी जब चलेगी, जब उसमें छमछम छमछम आवाज होगी, जिस आवाज को श्याम सुंदर कान में पड़ेगा तो श्याम सुंदर बड़ी प्रसन्न होंगे। अद्भुत अद्भुत उनका कीर्तन है। अभी जो अनादि प्रभु भजन गा रहे थे, कब ऐसे दिन होगा ब्रज में जाकर किसी तरह से जमुना के पानी को पेट भर कर खा करके किसी ब्रजवासी घर से टुकड़े को लेकर के बंसी बेटो को छाया में कई समय विरह में लौट पोट उठाऊंगा, कृष्ण लीला स्थली में जाऊंगा और ब्रजभूमि में कृष्ण लीला स्थली में लौट, इनका ही सब कीर्तन है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को इनको बताया भगवान की प्रेमा अवतार श्री नरोत्तम दास ठाकुर, महाप्रभु का प्रेम ही ये एक रूप धारण करते हुए आए। इनकी इतने प्रभाव था। इन्होंने मणिपुर में जाकर के प्रचार किया, पहले तो उन्होंने राजा को चेला बनाया। अगर राजा अगर चेला बने तो अपनी आप सब कैसे चेला बन जाते हैं। इसलिए एक ही एक आचार्य ऐसे हुए जिस गांव में अगर हम प्रचार करें कुछ लोग परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन सबके सब परिवर्तन नहीं होएंगे। लेकिन इनकी इतने प्रभाव इनके रहा, पूरा उन्होंने मणिपुर को उन्होंने संपूर्ण रूप बदला दिया, उन्होंने मणिपुर को बदला दिया। अभी भी उसका छाप है उनका। अदर उधर का लोग आते हैं ना, माताओं को देखो वो भी गौरी की वस्त्र धारण करते हैं। हाँ, नीचे गौरी के वस्त्र, ऊपर में वो सफेद वस्त्र, गले में कंठे की तुलसी और तिलक, हमारी गौड़ीय वैष्णव का तिलक। इसलिए हमारा जो तिलक है ना, ये नरोत्तम दास ठाकुर का ही ये तिलक, हमारे नरोत्तम परंपरा में हम लोग ये तिलक नरोत्तम दास ठाकुर का। यहीं पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, उनने सोचा जब तक जीवन में हम गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तब तक जीवन में उधार नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, ये नियम है। जान करके गुरु ग्रहण करनी चाहिए। अभी उन्होंने पता लगाया हम गुरु रूप में हम किसको ग्रहण करें। उन्होंने सुना यहीं पर एक बहुत बड़े संत है श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, ये कृष्ण लीला में ये मंजुलाली सखी प्रेम मंजिल दो है ना, बताया ना, दो बताए ना, हाँ हाँ। इसलिए लीला मंजरी और श्री मंजुलाली सखी, ये कृष्ण लीला में राधा जी की ये नित्य सेविका है। उन्होंने सुना यहीं पर एक संत है जो बैठ करके दिन रात कृष्ण प्रेम में रो रहे हैं और कृष्ण भजन में यहाँ डूबे हुए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर यहीं पर आए, उनसे उन्होंने दीक्षा मंत्र की उन्होंने प्राप्ति की। उन्होंने परीक्षा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था जीवन में मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, उनका ये प्रतिज्ञा था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको ही अपना हृदय में गुरु रूप में, उन्होंने उनको अपना हृदय में गुरु रूप में उनको बैठा लिया। जब बैठा दिया लेकिन उन्होंने तो प्रतिज्ञा की गुरु बनाऊंगा नहीं, शिष्य बनाऊंगा नहीं। शिष्य क्यों नहीं बनाएंगे, कहते ये एक एक स्वभाव है जिसके हृदय में जितने भक्ति की भावना आए वो उतना ही अपने आप अपने को नीचा समझते हैं। इसलिए कल मेरे अंदर में योग्यता ही नहीं गुरु बनने का, मैं कैसे शिष्य कैसे धारण कर ग्रहण कैसे कर सकता हूं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो प्रार्थना की उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने तो अपना हृदय में गुरु रूप में उन्होंने बैठा चुका है। बोले गुरु जी को हम प्रसन्न कैसे करें, इसलिए प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो भजनानंदी संत है उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, माधुकरी मांगे खा लिया और 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भजन करते थे। मतलब उनका सेवा कैसे, कोई चीज की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसकी अंदर में सेवा करने का भावना हो ना, कोई कहते हैं ना हमें गुरुजी हमें सेवा दो, गुरुजी सेवा बताओ, बताने का जरूरत नहीं, वो सेवा अपनी आप सेवाओं को वो ढूंढ लेते हैं। बोले भैया इनका क्या सेवा करे,
कहले जहां पर वो शौच क्रिया करते हैं, बोले भैया यही सेवा को कर सकता हूं। उन्होंने राहत को जा करके दिखा करके नहीं, ऐसे नहीं गुरु जी को सेवा करके दिखा दिखा करके, पीछे तो कोई सेवा करेंगे नहीं, गुरु जी को दिखा करके सामने प्रसाद लेंगे। बोले गुरु जी देखो हम कितने बड़े भक्त, हम प्रसाद ले रहे हैं, इसलिए देखो गुरु जी हम कितने सेवा करते, दिखाने की जरूरत नहीं, सेवा करना तो छुपा करके सेवा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पायखाना का जो स्थान को, वही स्थान को वो साफ करते थे। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी देखा, बोले भैया ये दूसरे दिन आकर के देखो यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई मलमूत्र नहीं, ऐसे नहीं हो हम किसकी चरण में अपराधी तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जब हमारी कोई सेवा करता है वो ऐसे नहीं सेवा करता है हमारे भजन को वो कुछ ले रहा है, वो ऐसे नहीं सेवा कर रहा है हमारे भजन की कुछ शक्ति को वो ले रहा है, बोले किसकी चरण में मैं अपराधी तो नहीं बन रहा हूं, कौन मेरी सेवा कर रहा है। इसलिए एक दिन उन्होंने छुप करके देखे, वो राजा का बेटा श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी वही सेवा कर रहे हैं। फिर उनका हाथ पकड़े, बोले तुम हमें ये अपराध क्यों बनाते हो। बोले गुरुदेव आपको मैंने हृदय में अपना गुरु जी रूप में आपको मैं धारण कर चुका हूं, लेकिन आप दीक्षा मंत्र नहीं देंगे, इसलिए मैं छुप करके आपको प्रसन्न करने के लिए मैं सेवा करता हूं। के सेवा ही ऐसे के चीज है, कहते बस कुर्बंती माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिम यथा, जैसे के पतिव्रता नारी पति की सेवा करते 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 इतने बसभूत कर लेती हैं, वो दिन भर काम करेगा पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा लाकर किसको देगा, पत्नी को। अगर पति अगर पैसा मांगे ना भाई खर्चा के लिए, हजार कई फर्ज देना पड़ेगा, क्या करोगे पैसा, इतने पैसा क्यों मांग रहे हो, क्यों, उसने वो सेवा कर रही है, इसलिए उन्होंने सेवा को द्वारा ही वशीभूत किए, यहीं पर ही उनसे उन्होंने दीक्षा मंत्र को प्राप्त किया। इसलिए ये जो स्थली है भगवान की अद्भुत अद्भुत लीला को द्वारा ये स्थली रंजित स्थली है, इसलिए हमारे गोस्वामी लोग ये लीला स्थलियों में आकर के भजन करते थे। हम लोग भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर प्रणाम करेंगे, चरण धूलि लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे ब्रजधाम, आज तो परिक्रमा का लास्ट दिन है ना, क्योंकि नारद जी भगवान से वरदान लिया है, जहां पर भगवान ये मधुर लीला किया, वैष्णव का अनुगत्य में कोई जाए वहां पर कथा सुने, वहां पर धूल लगाए, प्रणाम करे, एक दिन वो लीला स्थली वही लीला उसका हृदय में एक दिन प्रकटित होगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं हृदय में गुरु वैष्णव कृपा हो, आशीर्वाद हो, जैसे ये लीला एक दिन हमारे हृदय में प्रकटित हो।